दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का, सिक्स क्लास का साइंस का, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो चैप्टर के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें हम सब्सटेंस यानी वस्तुओं का, जो है पदार्थों का सेपरेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर इंग्लिश में है, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा कि समझाने की ज़रूरत है वहाँ मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो इन आर डेली लाइफ देर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो इन आर डेली लाइफ यानी हम अपनी दैनिक जीवन में देखते हैं कि देर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, व्हेन वी नोटिस, जब हम नोटिस करते हैं अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड, एक वस्तु जो है अलग होते हुए देखते हैं, फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड एंड अस लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। तो चाहे छन्नी को स्ट्रेनर यहाँ पे कहा गया है, वाइल प्रिपेयरिंग टी। तो इसी तरीके से जहाँ पे भी हमें लगेगा कि चीज़ों को समझने की ज़रूरत है तो हम समझ लेंगे। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे चाय को स्ट्रेनर की सहायता से छाना जा रहा है। 5.1 में लिखा हुआ है सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो ग्रेन इज़ सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग, मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर, ठीक है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। तो देखो, ये एक मैथड हो गया ना, गिन हो गया, मैथड हो गया। वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। यहाँ पे लिखा है मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। तो मिल्क और बटर को चर्न किया जाता है बटर को सेपरेट करने के लिए। और ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल काटना। आगे पढ़ते हैं। परहैप्स वी माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा, इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क टू सेपरेट देम, व्हाट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट? इट सीम्स ईजी, राइट? सीम्स ईजी, बट वट इफ द मटेरियल्स वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। तो मोटा मोटी इसमें कहा गया है कि अगर आम और क्या है इसमें मैंगो और गुआवा का अगर आपको अलग अलग करने के लिए जाए तो ईजिली हो जाएगा। आपने दलिया पोहा खाया होगा तो उसमें अगर मिर्ची होती है तो उसको हम आसानी से बाहर निकाल के रख देते हैं। यही दो चीज़ कही गई है इस वाले पैराग्राफ में, ठीक है। आगे इसमें कहा गया है कि ये बहुत ईजी लगता है, लेकिन अगर हम आपको एकदम छोटी छोटी चीज़ें अलग करने के लिए दे दें तो फिर आप कैसे करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 5.2 में देखिए, बटर इज़ टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड। तो ये जो घुमाया जा रहा है ना रस्सी से पकड़ के, दिस इज़ कॉल्ड चर्निंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में ही पूछा जाएगा कि बटर को मिल्क या कर्ड से अलग करने के लिए क्या किया जाता है, तो चर्न किया जाता है। चाय पत्ती को चाय में से कैसे निकालते हैं, तो स्ट्रेनर से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि सेपरेट सीम्स ईजी बट व्हाट इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। तो देन मैंगो और गुआवा, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड। इमेजिन करिए कि एक ग्लास सैंड दिया जाता है विथ सॉल्ट मिक्स इन इट, मतलब आपको सैंड दिया जाता है नमक के साथ मिला हुआ। तो आगे लिखा है इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। तो इसमें लिखा है कि इम्पॉसिबल लगता है कि मतलब नमक और सैंड को अलग कर सकते हैं, वो भी हाथ से चुन के, ठीक है। पहेली है अपने सामने, पहेली क्या कह रही है, बट
would we need to separate substances like this at all, is what Paheli wants to know. आगे पढ़ते हैं. एक्टिविटी वन में है इन कॉलम वन ऑफ टेबल 5.1. कहाँ है टेबल 5.1? ये रहा टेबल 5.1, अभी देख लेंगे क्या है. इन कॉलम वन ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन दिया हुआ है 5.1 के कॉलम में, प्रोसेस दिया हुआ है सेपरेशन का. द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशन इन कॉलम टू एंड थ्री रेस्पेक्टिवली. तो पर्पस ऑफ सेपरेशन टू में दिया है और द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर दिया है कॉलम थ्री में. हाउ एवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम टू एंड थ्री इज जम्बल्ड अप. ठीक है, कैन यू मैच इच. पढ़ते हैं इसको क्या है. व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस. तो सेपरेशन प्रोसेस एंड सेकेंड में है पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन एंड व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स. तो देखो पहला पढ़ते हैं, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस. उसके बाद है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स. ठीक है. दूसरा है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. फिर है लिखा वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज. फिर तीसरा है सेपरेट टी लीव्स और फिर लिखा है टू रिमूव इम्प्योरिटीज आर हार्मफुल कंपोनेंट्स. टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स. वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स. देखो ये जो है ना ये जंबल है. ठीक है, ये जंबल किया हुआ है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ. देखो जो दूसरा है ना वो दूसरे कॉलम के ए से मिलेगा, यानी चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. तो ए के साथ हो जाएगा टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. और फिर आ जाएगा वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स. मतलब जब हम बटर को अलग करते हैं कर्ड में से तो जो बचा हुआ हिस्सा रहता है वो भी यूज़ कर लेते हैं, और बटर तो यूज़ करते ही हैं. तो दूसरे का हो जाएगा ए और थर्ड, और सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस का हो जाएगा यानी पहले का टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट सेपरेट टी लीव्स. टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट. देखो सेपरेट स्टोन फ्रॉम द राइस का हो जाएगा सी, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स. ठीक है, तो ये हो गया. तो इसका हो जाएगा तुम्हारा वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट यानी फर्स्ट. और फिर तीसरा है सेपरेट टी लीव्स, तो उसका हो जाएगा बी टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. इसीलिए तो हम सेपरेट करते हैं टी लीव्स को. ठीक है, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए. और फिर हो जाएगा वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज. वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, तो ये तो उसका था. ठीक है, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज. ठीक है, अब आगे करते हैं. तो आगे है प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड. प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड. ठीक है, प्रोसेस विद its purpose and the way separated components are used. We see that before we use the substance we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. तो इसमें लिखा है we see that before we use the substance, मतलब चीज़ों को use करने से पहले we need to separate harmful. देखो चावल बनाने से पहले उसमें हम देख लेते हैं ना एक बार कि कोई कंकर पत्थर तो नहीं है जो हमारे दांतों के नीचे आ जाए. तो इसीलिए इसमें लिखा है We need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components. We
इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि जैसे हम कैसे बटर को कर्ड से अलग करते हैं, क्योंकि हमें उन दोनों को सेपरेटली यूज़ करना होता है, हमारा ऐसा इच्छा होती है हमारी। ठीक है, क्योंकि हम कई बार घी भी बना लेते हैं मक्खन से। आगे है टू द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स। दीज मे बी इन एनी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आगे लिखा है सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। तो इसमें देखो मोटा मोटी यही लिखा है कि द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल। मतलब जो हमें चीज़ों को सेपरेट करना होता है वो डिफरेंट साइज और मटेरियल हो सकता है। देर मे बी एनी थ्री स्टेट ऑफ मैटर, कोई भी स्टेट हो सकता है मैटर का, सॉलिड, लिक्विड या गैस। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो चलो देखते हैं आगे मैथड ऑफ सेपरेशन क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, तो वी विल डिस्कस सम सिंपल मैथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज दैट आर मिक्स टुगेदर। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मैथड्स बींग यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज़, हैंड पिकिंग। देखो एक तो हाथ से चुनने वाला काम होता है, ठीक है। तो ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ सीट ऑफ पेपर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द सीट ऑफ पेपर? आर थ्री पीसेज ऑफ स्टोन हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट? नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन हस्क एंड अदर grains from it. This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation we find that hand picking is a convenient method of separating substances. देखो ये बिल्कुल ये जो एकदम बेसिक लेवल का होता है ना चीज़ों को सेपरेट करने का, कि जो मोटा मोटी दिखा आँखों से उसको हमने हाथों से चुन लिया, तो वही इसमें हैंड पिकिंग की बात की गई है बस। ठीक है, और कुछ नहीं। आगे पढ़ते हैं कि देखो बच्चों आपको इसमें जैसे जो भी समझ ना आए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लेना। आपको कोई वर्ड मीनिंग ना आए तो आप वो डिक्शनरी में देख सकते हो, या फिर नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ये आदमी जो बैठ के 5.3 में पिक्चर में हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन, ये ग्रेन से स्टोन चुन रहा है। ठीक है, आगे है थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट और पैडी स्टॉक्स लेइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalk lying in the field. How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stalk? So, मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो वन में प्लक मैंगोज़ और गुआबा फ्रॉम द ट्री। देखो ट्री से तो आराम से हम तोड़ सकते हैं गुआबा या मैंगो, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर। जो अनाज के दाने होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं देन मैंगोज़ और गुआबा, आम और अमरूद के मुकाबले। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। सो उनके जो बोझे होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उनमें से हर ग्रेन को तोड़ना इज़ नॉट ईजी टास्क। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स? सो एक आदमी जो है वो कैसे जो है उन ग्रेन सीड्स को स्टॉक से अलग करता है। ठीक है, सो द प्रोसेस डैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो है ना ग्रेन स्टॉक से ग्रेन को अलग करना, यानी अनाज को अनाज के बंडल से अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स समटाइम्स। तो देखो उसको पीटा जाता है। ठीक है ना, हमने देखा हुआ गाँव में
कि एक चौकी रख के और धान के बोझे जो है लाए जाते हैं, फिर उसका जो अटिया होता है उससे पीट पीट के उसमें से ग्रेन्स निकालते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं विनोइंग। तो विनोइंग क्या होता है देखते हैं। देखो, जो जब हम थ्रेसिंग कर लेते हैं ना, तो उसके बाद उसमें जो है कुछ वो रह जाते हैं, गंदगी रह जाती है स्टॉक्स की। मतलब वो स्टॉक्स का जो हम पीटते हैं, तो उसके जो स्टॉक्स के जो वो होते हैं छोटे छोटे पोरे, वो आ जाते हैं उसमें। तो फिर उसके बाद हम विनोइंग कहते हैं, जिसको ओसाना कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होगा, हमारे गांव में तो ओसाना ही कहते हैं। ठीक है, हवा चलती है तो ओसा लेते हैं, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, फिर मशीन ला के वो पंखा वाला चलाते हैं हाथ से, या फिर उसमें मोटर वोटर लगा के चला देते हैं। ठीक है, तो विनोइंग की बात कर रहे हैं अपन लोग। तो मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। ठीक है, हाँ, तो वही पाउडर ड्राई लीव्स का जो पाउडर रहता है ना, वो रह जाता है। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाई हैंड पिकिंग। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड सैंड ऑन एंड स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म। पुट दिस मिक्सचर इन अ प्लेट और सीट ऑफ पेपर। होल्ड द प्लेट और द सीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। व्हाट हैपेंस डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। Did the wind manage to separate the two components? This method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. तो समझ गए होंगे आप, ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, देखो, डायरेक्शन ऑफ एयर होता है, सूप होता है, हस्क होता है, ग्रेन होता है। तो हस्क जो होता है वो एक साइड में चला जाता है, ग्रेन जहाँ पे हम लोग गिराते हैं वहीं गिर जाता है। ठीक है, और जो हस्क होता है वो थोड़ी दूर जाके गिरता है। इस तरीके से हस्क और ग्रेन को हम अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड ऑन एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पजेज सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सीविंग। सीविंग क्या होता है तो देख लो पहले, यही सीविंग होता है, जो आटा चालते हो ना छन्नी से, उसी को सीविंग कहते हैं। तो सीविंग देखो, Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. ठीक है, मतलब जो फाइन फ्लोर पार्टिकल होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ रहता है वो ऊँचा छलनी में ही रह जाता है। ठीक है, वो नीचे नहीं गिरता है। तो इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ वीट इज़ पाउड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। द सीविंग रिमूव्स pieces of a stone stalk and husk that may still remain with wheat.
after threshing and winnowing. You may have also noticed similar sieves being used at construction sites. देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी सीविंग की जाती है ना, उसको पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग, ठीक है, टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड. तो आगे पढ़ते हैं क्या है, ब्रिंग अ सीव, एक्टिविटी फोर पढ़ो, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास Sieve the floor to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the floor. Can we separate the floor and the powder chalk by sieving? Sieving is used when components of a mixture have different sizes. तो जब चॉक का पाउडर मिला दोगे तो वो थोड़े छनाएगा, क्योंकि वो तो उसी के साइज़ का हो जाएगा ना जिस साइज़ का वो आटा होता है, ठीक है. आगे पढ़ो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है. तो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं. देखो समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाई विनोइंग एंड हैंड पिकिंग, ठीक है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सोयल particles in rice or pulses. So how are such impurities separated from rice or pulses before cooking? Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. These impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? When the heavier components in a mixture settles after वाटर इज़ एडेड टू इट द प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन. देखो तो सेडिमेंटेशन क्या होता है ना, कि जब हम किसी चीज़ में पानी मिलाते हैं तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है. इसमें साफ साफ लिखा है कि हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज़ एडेड टू इट द प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन. वेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज़ रिमूव द प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन. तो वेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज़ रिमूव द प्रोसेस इज़ कॉल्ड. देखो जैसे क्या होता है ना, कि हम जब चावल बनाते हैं तो चावल में जैसे जो थोड़ा बहुत जो पाउडर टाइप का चीज़ होता है ना, तो वो सब या जो हस्क का जो छोटा छोटा टुकड़ा रहता है उसको निकालने के लिए उसमें पानी से बढ़िया से धोते हैं और फिर उसको निकालते हैं, पानी को निकालते हैं, चावल नीचे ही बैठा रहता है. तो यही प्रोसेस जो है वो जो चावल नीचे बैठा रहता है उसको सेडिमेंटेशन, और जो हस्क वगैरह जो पानी के साथ निकल जाता है उसको डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है. तो लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है. तो आगे पढ़ते हैं, द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form a separate layers. The components that forms the top layer can be then by separated by decantation. Let us again consider a mixture of a solid and liquid after preparing tea. What do you do to remove the tea leaves? Usually we use a strainer to remove tea leaves. Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. तो देखो जो चाय जो छानते हैं ना, वो जो उसका प्रोसेस होता है उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है.
तो विच मैथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्राम प्रिपेयर टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? तो फिल्ट्रेशन इज़ डेफिनेटली अ बेटर वे. सो लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज. डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? समटाइम्स वाटर सप्लाईड थ्रू टैप्स मे बी मडी. द वाटर कलेक्टेड फ्राम पॉन्ड्स और रिवर्स मे ऑल्सो बी मडी, स्पेशली आफ्टर रेन्स. लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मैथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज लाइक सोयल फ्राम द वाटर. एक्टिविटी 5. कलेक्ट सम मडी वाटर फ्राम अ पॉन्ड और अ रिवर. इफ इट इज नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सोयल टू वाटर इन अ ग्लास. लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस. डज सम सोयल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर? वाई? वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास अबाउट slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? Is the water is the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. Shows the 5.9 shows the steps involved in using filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. तो यहाँ पे छानने छुनने की बात हुई है, सीधी साधी बात है, फिल्टर की बात हुई है. देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने ये इसमें फ्यूनल में फिल्टर पेपर लगा दिया ना, ठीक है. तो आगे पढ़ते हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेज आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू. Fruits and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese, paneer, in our home. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. Agla hai evaporation. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. देखो यहाँ पे इवेपोरेशन की क्रिया हो रही है 5.11 में. हीटिंग अ बीकर कंटेनर सॉल्ट वाटर, ठीक है. आगे पढ़ते हैं. सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टियरिंग? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर. लेट द वाटर बॉयल अवे. What is felt in the beaker? In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. ठीक है. तो evaporation होता है mainly कि जैसे तुम पानी को गर्म करोगे ना तो पानी ऊपर चला जाएगा सारा और नीचे जो उसमें नमक होता है वो बच जाता है. देखो we use the process of evaporation to separate a mixture of salt and water. ठीक है.
जो वाटर होता है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है, जो सॉल्ट होता है ना वो भी समुद्र के पानी को उबाल के ही इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू ही बनता है। द प्रोसेस ऑफ कन अगला पैराग्राफ देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेन एवर वाट वेर एवर वाटर इज प्रजेंट। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्राम? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। वन ऑफ दीज सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। वेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स वाटर गेट्स हीटेड बाई सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इंटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्राम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाई फर्दर प्योरीफिकेशन। देखो यहाँ पे ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्राम सी वाटर कैसे होता है, सॉल्ट कैसे बनता है। आ गया यूज ऑफ मोर देन वन मैथड ऑफ सेपरेशन। वी हैव स्टडीज सम मैथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज फ्राम देयर मिक्सचर्स। ऑफ एन वन मैथड इज नॉट सफिशेंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेज प्रजेंट इन अ मिक्सचर। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मैथड्स। आगे है एक्टिविटी सेवन में, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। हाउ विल वी सेपरेट दीज? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिस मैथड फॉर सेपरेटिंग दीज। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड एड सम वाटर टू इट। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट द बॉटम? द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. Do you notice steam coming out from the spout of the kettle? Take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in figure 5.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. So condensation kya hota hai na ki jab जो वेपर होता है वो ठंडा होके जब फिर से पानी बन जाता है तो इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो यही जो मोटी मोटी जो ये जैसे ब्लैक है ना, डार्क ब्लैक में, इन्हीं चीज़ों को हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द कैटल? वी दस सेपरेटेड सॉल्ट sand and water using process of decantation, filtration and evaporation and condensation. तो देखो ये सारे टर्मिनोलॉजी हमने सीखा। डिकेंटेशन क्या होता है कि पानी को आराम से निकाल देना, जो चीज़ें नीचे रहेंगी वो नीचे ही बैठी रह जाएंगी। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि चेचन्नी से छान देना। इवेपोरेशन क्या होता है कि उसको वाष्पीकृत कर देना, मतलब वेपर बना के उड़ा देना। एंड कंडेंसेशन क्या होता है कि फिर से उस वेपर को ठंडा करके पानी बना देना। अब आगे है पहेली, फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विथ सैंड। सी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल। देखो ये इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन यहाँ का पिक्चर दिखाया हुआ, कितना सुंदर पिक्चर है। इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है साथ के साथ।
अब आगे है अमाउंट ऑफ सैंड। देखो यहाँ पे पहेली की बात हो रही थी कि सी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। सी देन ट्राई द मेथड ऑफ सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द सॉल्ट। सी फाउंड हाउ एवर दैट सी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट सी हैड टेकन। व्हाट कुड हैव गोन रॉन्ग। आगे पढ़ते हैं कि कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेज टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। आगे पढ़ते हैं एक्टिविटी 8। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर, पावर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, एड 1 teaspoonful ऑफ सॉल्ट एंड स्टीयर इट वेल अंटिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स कम्प्लीटली। अगेन एड 1 teaspoonful ऑफ सॉल्ट एंड स्टीयर वेल। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 teaspoonful at a time and stir. After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. तो देख लो यहाँ पे saturated क्या होता है कि जब हम पानी में salt घोलेंगे तो मतलब जितनी जैसे एक बार डाला घोल दिया फिर दूसरी बार डाला घोल दिया तो वो जैसे वो जो जो वो लिक्विड था ना वो मोटा हो गया धीरे धीरे। तो वही जो मोटा हो गया सॉल्ट की वजह से उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। ठीक है, तो हियर इज़ अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गोन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सॉल्ट मिक्सड विद सैंड। परहैप्स द क्वान्टिटी ऑफ सॉल्ट वॉज मच मोर देन that required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and she could solve her problem by using a larger quantity of water. Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help Paheli out. Take some water in a beaker and mix salt in it until it could dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of salt in water. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. What do you find? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। लेट अस फाइंड आउट। टेक 2 glasses एंड पावर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 glass एंड स्टीयर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 teaspoon एट अ टाइम till the solution saturates. Record the number of spoons of salt that dissolved in the water in table 5.2. Now repeat the same activity with sugar. Repeat this with some other substances that are soluble in water. What do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolves different substances in different amounts? We have discussed a few methods of separating substances. Some of the methods
of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it can't dissolve more of the substance in it. ठीक है, तो समझ गए होंगे, सैचूरेटेड समझ गए होंगे आप, सारी चीज़ें समझ गए होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स है ना, इनका आपको मीनिंग लिखना है नीचे. शर्निंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचूरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग सॉल्यूशन, थ्रेसिंग, विनोइंग, इन सब का आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मीनिंग लिखना है. समरी पढ़ लेते हैं. हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर सम ऑफ द मैथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स. आगे, हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग. हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग. हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग. ठीक है, विनोइंग वही जो सूप के थ्रू आते हैं ना. आगे है, डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज अ मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन. इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हैवियर सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्यूबल सॉलिड एंड अ लिक्विड. Evaporation is the process in which a liquid gets converted into its vapor. Evaporation can be used to separate a solid dissolved in a liquid. A saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved. More of a substance can be dissolved in a solution by heating it. Water dissolves different amount of soluble substances in it. तो दोस्तों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. जय हिंद, जय भारत. और कभी भी, जब भी आपको एक्सरसाइज करने का मन हो तो प्लीज़ टेल मी, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो जय हिंद, जय भारत.